दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। विधवा और लाचार बुजुर्ग महिला अपनी जमीन पर कब्जा करने वाले से मुक्त कराने पहुंची जिला मुख्यालय। उसकी 10 बीघा जमीन पर कर लिया है कब्जा। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए दिशा निर्देश। और मराठी समाज द्वारा गजानन विजय ग्रंथ का किया गया पाठन, समापन उपरांत निकाली शोभा यात्रा, पहुंची श्री राम मंदिर। आज छठ के दिन देवताओं के लिए घोड़े भेंट किए जाते हैं, भैरव बाबा जिंद बाबा के लिए। बाजार में घोड़ों की बिक्री हो रही है, घोड़ा विक्रेता से हुई चर्चा। सब में आए हो तो क्या कार्य करते हैं भाई साहब? मटके बेचते हैं, मिट्टी वाले और सब सामान बेचते हैं। ये जो आज कौन सा दिन है और यहाँ पर घोड़े आप बेच रहे हैं मिट्टी के, क्या है? आज ये है छठ अक्ति की, तो घोड़ा बिकते हैं, देवताओं चढ़ाते हैं, भैरव महाराज है, जिंद बाबा है, दरोज बाबा है जी। तो सब घोड़े चढ़ते हैं। क्या क्यों चढ़ाए जाते हैं? मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, चढ़ाए जाते हैं। क्या भेंट क्या है इनकी? भेंट है 150। क्या कार्य करती हैं आप? ये मिट्टी का काम है। ये घोड़े आज बेच रहे हैं, क्या क्या आज है? क्या आज घट है भैरव बाबा जी? तो ये घोड़े का क्या महत्व है? महत्व है कि जो भी इच्छा रहती इंसान के मन की कबूलना रहती है, छठ पे घोड़े चढ़ाते हैं। कौन से बाबा को चढ़ते हैं घोड़े? घोड़े काल भैरव को, दूधिया भैरव, जिन बाबा, पीर बाबा। कितनी भेंट है इनकी? 100 रुपये भेंट होती है। 100 रुपये भेंट। कितने? एक जोड़ी घोड़ा आते हैं, एक जोड़ा अपने अपने श्रद्धा के साथ पूजा कराते हैं। आज छठ के दिन ही चढ़ते हैं? हर साल ये बात की छठ रहती है। कौन सी छठ है ये? ग्यारसपुर तहसील की ग्राम ओलिंजा से 90 वर्षीय बुजुर्ग नेत्रहीन प्रेमबाई जिला मुख्यालय पहुंची, जहां ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उसके पति ने 10 बीघा जमीन 80,000 रुपये में रखी थी, लेकिन पति की मौत के बाद रघुवीर नाम के व्यक्ति की नीयत बदल गई, जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे वह कई वर्षों से परेशान है। लाचार और विधवा महिला की पुकार कौन सुनेगा और कब उसे न्याय मिलेगा? फिलहाल न्याय की मांग प्रशासन से कर रही है। माधु सिंह, कौन सा माधो? कहाँ के रहने वाले हो? कोलिंजा। तो जहाँ काय के लिए लेके आए आप? कौन ने कब्जा कर रखा आपका? नाम दो, नाम बताओ उसका। रघुवीर सिंह। कैसे कर लिया उसने कब्जा आपका? कितने में गिरवी रखी थी आपने जमीन?
80,000 में। कितने कब करी ने रखी थी? ये तो कहाँ रहती हो? कोलिंजा में। कोलिंजा कोलिंजा काय के लिए आई हो? खेती लेंगे हमरी हम। कौन से कौन ने रख ली? रघुवीर सिंह ने रख ली। कौन सा माज है? पता नहीं है, गैस बोर्ड में कंप्यूटर करता है वो। अच्छा, तो कैसे रखी थी उनके पास जमीन आपने? हमने सुसर जी ने उनके पास कोली नामा रखी थी, वे कब्जा कर रहे दे नहीं रहे। कितने बीघे जमीन है? 10 बीघा। कौन सा माज है आप लोग? आदिवासी। जो कौन है आपकी? सासू माँ। तो इनकी आंखें नहीं है? नहीं है। कब से? वे तो बहुत साल हो गए उनसे आंखें नहीं थी, जब तो सुसर और सासू माँ दोनों कोली नामा रखी थी और उनने क्या कर लिया। अच्छा, सासू माँ की आंखें नहीं है? नहीं थी, जब भी नहीं थी जब रखी थी। अच्छा, पिता इनके घर से कहाँ है आपके ससुर? शांत हो चुके हैं, इसीलिए तो वो कह रहा है छोड़ नहीं रही है। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई, जहां कलेक्टर बुद्धिश कुमार वैद्य ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बहुत बढ़िया, डाक पत्र भी अच्छे से निपटा, शिकायतें भी आपने उन्हें नहीं दी, ज्यादा जो हुई उसको भी आपने व्यवस्थित तरीके से उसका जवाब दे दिया। और क्या था आपके पास अनुमति आज उसको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई किसी के पास? रुलिया साहब आपके पास पीपल्स में जाकर के लोगों को जो खुश थे, मतलब जो जा रहे थे बंदा था भी कोई ऐसे दुखी नहीं थे, लौट करके भी आए तो लोगों किसी के चेहरे पर शिकायत दिखी, कुछ जाकर वो अपनी व्यवस्था अच्छी होती तो लोगों को ठीक है। दुर्जनपुर से एक नव युवक युवती जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को गायत्री मंदिर ऑफर कोर्ट से शादी कर ली है, लेकिन लड़की के माता पिता चाचा भाई लड़के वालों के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिला प्रशासन से उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। दोनों ने मीडिया से अपनी बात साझा की है। कहाँ रहती हैं आप? तो यहाँ काय के लिए शिकायत करने आई हूँ? मेरे को मेरे मायके वाले मारने की धमकी दे रहे हैं। जी, किस बात को लेके? मैंने कोर्ट में रिज कर लिया इसलिए। अच्छा, कहाँ पर करी है आपने? गायत्री मंदिर में शादी करी, कोर्ट में रिज करा है। कब करी है आपने? 10 तारीख को। तो अब कौन कौन परेशान कर रहा है आपको? कन्हैया राम कुशवा। कौन है जी आपके? चाचा है और पापा है और रोहित और अंकित जी। कौन है आपके? एक मेरा भाई है, एक उनका दामाद है। अच्छा, तो क्यों क्या कह रहे हैं वो, क्या चाहते हैं? मारने की धमकी दे रहे हैं। क्यों? हमने कोर्ट में रिज कर लिया इसलिए। अच्छा, तो आप क्या चाह रही हैं आप? वो हमें घर पर नहीं जाने रहे, जान से मार देंगे घर पर आएंगे तो। अच्छा, कब शादी करी, किसके साथ शादी करी आपने? 10 तारीख को करी, साक्षी कुछ बात। अच्छा, ये कहाँ रहती हूँ, आप कहाँ रहते हो? भजनपुर आप लेते हैं एक जगह। क्या काम करते हैं आप? आटो चलाते। तो अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? इसके घर वाले मतलब धमकी देते हैं, 3 दिन हो गए हमको घर भी नहीं जाने दिया इधर उधर। आपने शादी कहाँ करी, कैसे करी? कोर्ट से करी थी, उसके बाद गायत्री मंदिर साथ ही। अच्छा, आपके परिवार साथ दे रहे हैं आपको? लड़की वाले की नहीं दे रहे? तो आप क्या चाह रहे हैं आप? घर पे जाना, वो आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, घर पे जाने नहीं दे रहे, कि मोहल्ले में मकान है हमारा। मराठी समाज द्वारा पिछले 21 महीनों से गजानन महाराज द्वारा रचित गजानन विजय ग्रंथ का समाज के अलग अलग घरों में पाठन हो रहा था। जिले के मराठी समाज के महिला व पुरुषों ने सामूहिक रूप से निजी गार्डन में पाठ का समापन किया। 7 वर्ष की बालिका मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। बालिका को गजानन विजय ग्रंथ कंठस्थ याद है। समारोह के बाद समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो किलेंदर स्थित श्री राम मंदिर पहुंची।
हेलो 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 जी ज्या भजन म्हणणाऱ्या बायका ज्यांनी प्रॅक्टिस केलेली आहे चार पाच दिवस त्यांनी दोन ओळी मध्ये या ऑटोच्या पुढे दोन ओळी या ऑटोच्या पुढे दोन दोन लाईनी मध्ये दोन लाईनी मध्ये ऑटोच्या पुढे व्यवस्थित लाईन बनवून घ्या. गजानन श्री गजान जय गजान नमो नमो जय गजानन श्री गजानन जय गजान नमो जय गजानन श्री गजानन जय गजान नमो नाम बताएं. कहाँ से हैं आप? चिंचवड़. अच्छा ये आज क्या कार्यक्रम था आपने किया था? आज मैंने की चलिए ठीक है बहुत. आज हमारे यहाँ गजानन विजय ग्रंथ का बहुत बड़ा पारायण हुआ. हमने दो साल से संकल्प लिया था कि ये पारायण घर घर में होता था, हर महीने एक एक व्यक्ति के घर होता था. आज हमने उसका समापन उपलक्ष्य में आज कामधेनु वाटिका में पूरा हम महाराष्ट्रियन समाज एकत्रित होके इसका एक ही संदेश रहेगा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. और आज हम लोगों ने एकत्रित होकर अपना एक उद्देश्य लेके चले. आज हमारे साथ एक गुना से आई हुई सुरभि ढगे, वह वर्ष आयु 7 वर्ष, उसको पूरा ग्रंथ कंठस्थ है. उसने आज हम लोगों को सामने से व्यासपीठ से उसने पूरा कंठस्थ ग्रंथ पढ़ा गया और हम लोगों ने उसका अनुकरण किया. साथ साथ हम पढ़ते गए उसके इतना मैंने भगवान की पूरी भक्ति का आज पूरा उसने बताया. चलिए बहुत धन्यवाद. कार्यक्रम के बारे में बताएं. मेरा नाम सौरभ मराठे और इस कार्यक्रम में आज सर्वे भवंतु सुखिना, सभी का सब कुछ अच्छा हो, इसके निमित्त आज कामधेनु मंगल वाटिका में गजानन महाराज श्री गांव उनके ग्रंथ गजानन श्री गजानन विजय ग्रंथ का पारायण किया गया. और उस पारायण के बाद अब यहां से गुलाब वाटिका से लेकर हम राम मंदिर किले अंदर तक उनकी पादुकाओं के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं. जी इसका क्या संदेश क्या था, इसका मैसेज क्या है? सर्वे भवतु सुखिना मतलब सर्व पूरी दुनिया में शांति हो, पूरे भारतवर्ष में शांति हो, आपस में लोगों का जो वैमनस्य है, विचार जो मिलते नहीं है वो विचार मिले, इसके निमित्त हमने यह कार्यक्रम पिछले 21 महीनों से ये कार्यक्रम अलग अलग जगह चल रहा था, इसका समापन यहाँ पर किया गया. और इस समापन में विशेष बात ये थी कि पुणे से एक बालिका है सुरभि ढगे, जिसकी उम्र 7 वर्ष है, दूसरी क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसको पूरा ग्रंथ कंठस्थ याद है और वो बिना देखे उसका वाचन भी करती है. और खबरों को देते हैं पर विराम. आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि से एमटी न्यूज़. नमस्कार.